नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। सबसे पहली बात, यूपी विधानसभा की जो वैकेंसी निकली है आरओ और प्लस जो बाकी वाली, उनके लिए पेड ग्रुप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का चालू हो जाएगा 25 सितंबर से, और बिहार एसआई का भी पेड ग्रुप चालू हो जाएगा 25 सितंबर से। ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9696066089 पे कॉल कर सकते हैं आप या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आरओ के कट ऑफ की बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ना ही मैं कोई एक्सपर्ट हूँ, ना मैं जो है अंतर्यामी हूँ, ना ही एस्ट्रोलॉजर हूँ कि सारी चीजें जो है पहले से ही जान लूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक मेरी खुद की एनालिसिस होती है, इससे बहुत लोग सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, और मैं ये चाहता हूं कि जो मेरी एनालिसिस कहती है ये बिल्कुल गलत भी हो जाए, ठीक है। ऐसा भी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि ये गलत हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि सही भी हो सकता है। मेरे हिसाब से आरओ का सारे फैक्टर्स मैंने कैलकुलेट कर लिए, इसलिए मैंने कल नहीं दिया था वीडियो। मैं कमेंट आप लोगों से मांगे थे, आप लोगों ने कमेंट दिए, और कई सारे मैं फेसबुक और इन सब जगह हर जगह देखता रहता हूँ, तो उसमें मेरी एनालिसिस जो कहती है करीबन 127 अगर जनरल में आ रहे हैं आपके निगेटिव के साथ, निगेटिव को इंक्लूड करके, ठीक है, अगर 127 नंबर के आसपास आपके आ रहे हैं जनरल में, तो आपको जरूर मेंस की तैयारी करनी चाहिए। जनरल में प्लस माइनस 5 रहेगा, रेंज तो रहेगी। जनरल ओबीसी का सेम रहेगा 127, एससी और गर्ल्स इन दोनों का सेम जाता है लगभग, तो मेरे हिसाब से इन लोगों के अगर 117-18 के आसपास आ रहे हैं प्लस माइनस 5, तो फिर ठीक है, मतलब मेंस की तैयारी कर सकते हैं। एसटी वालों की अगर आप बात करें तो 112 या 110 अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं। ये मेरे हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये गलत हो जाएगा, या फिर जो है पहले, ऐसा नहीं कि मैंने हमेशा जितने का टॉप रेटेड किए हमेशा सही हुए हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में सही हुए हैं, ये वाली जो बात है। बाकी आपकी सारी चीजें मैं मानने को तैयार हूँ। आप यहाँ पे चाहें तो निगेटिव कमेंट भी दे सकते हैं, पॉजिटिव भी दे सकते हैं, सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। मैं वैसा नहीं हूँ कि जो है मैं जानबूझ के एडमिशन लेने के चक्कर में मैं कट ऑफ नहीं कम बता सकता हूँ भैया, जो बात है वो साफ है। यूपी है ये, एक से एक लोग जो है स्किल्ड लोग हैं। और जो बात ये है, एक मैं आपसे और बात बताना चाहता हूँ कि कई सारे, भले ही जो है 60% लोगों ने एबसेंट रहे हो, 60-65% लोग कई सारे पेपर में आपने सुना एबसेंट रहे होंगे, 3 लाख लोगों ने भरा था, 1 लाख के आसपास तो गए ना लोग देने, और 1 लाख भी जो मेन कंटेंडर हैं, ये लोग सब, ये सब मेन वाले हैं, ये पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोग पढ़ने वाले हैं, ये सब जो है वैसे लोग हैं जो लगातार पढ़ रहे हैं, सिलेक्ट हो रहे हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो 2018 के फाइनल सिलेक्शन में जो है फाइनल सिलेक्शन ले चुके हैं, फिर भी आरओ देने गए थे। ये एक है, इतना आसान नहीं है। कई सारे लोगों से मैं अपील करता हूँ कि अगर आप एक जॉब ले चुके हो तो प्लीज यार दोबारा मत जाया करो यार, वो वाली सीट आप खा लोगे फिर तो एक जो है एक किसी अभ्यर्थी का पेट मार दोगे आप, ऐसा मत करा करो यार, ये ठीक नहीं है। आप जो है मान लो अगर आपने आरओ की जॉब पा ली तो आप पीसीएस की तैयारी करो तो ठीक है, वही वाली जॉब के लिए बार बार जाना रैंक इंप्रूवमेंट के लिए ठीक नहीं है। बाकी आप लोग की मर्जी, आप मुझसे सहमत हो सकते हैं, सहमत हो सकते हैं, जो भी चीजें अगर आपको कहनी है आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। मेरे हिसाब से एनालिसिस कहती है आरओ का पेड ग्रुप हमने चला दिया है, 28 सितंबर से चालू है। चाहे तो आप ज्यादा जानकारी के लिए दोनों नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद।